हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल लीगल न्यूज ऑफिशियल में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज के क्या प्रोसेस हैं ये हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। दोस्तों कोर्ट मैरिज का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ये होती कैसे है, क्या प्रक्रिया है इसकी, क्योंकि अभी तक आपने ज्यादातर बैंड बाजे वाली शादियों को ही देखा होगा। लेकिन शादियों में लाखों खर्च करने के बजाय लोग कोर्ट मैरिज कर अपने पैसे बचा रहे हैं। अब सोसा वाली शादियों के बजाय शांति से पैसे और समय की बर्बादी किए बगैर लोग कोर्ट मैरिज की तरफ रुख कर रहे हैं। बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी बिग फेक वेडिंग के बजाय कोर्ट मैरिज की, जैसे जॉन अब्राहम, प्रिया रोनचाल, मनीषा लांबा, रियान थाम और सैफ अली खान और करीना कपूर खान आदि। इसी के साथ अब हर नए शादीशुदा जोड़े को अपनी शादी का प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ये मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट में बनता है, जो कपल्स के सभी ज्वाइंट काम जैसे प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, पासपोर्ट, बच्चों की कस्टडी आदि के लिए जरूरी होता है। आज आपको कोर्ट मैरिज के बारे में बता है सब कुछ है। क्या है कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज के बारे में जानने से पहले इस प्रक्रिया में पूछे जाने वाले कुछ आम सवालों पर गौर करते हैं। क्या कोर्ट मैरिज का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है? क्या कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी है? कोर्ट मैरिज के लिए शर्तें क्या हैं जरूरी, जिनका पालन किया जाना जरूरी है? पूर्व में कोई विवाह ना हुआ हो, लीगल रेडी, उम्र, कोर्ट मैरिज प्रक्रिया का पहला चरण, कोर्ट मैरिज प्रक्रिया का दूसरा चरण, कोर्ट मैरिज प्रक्रिया का तीसरा चरण, कोर्ट मैरिज प्रक्रिया का चौथा चरण, पांचवा चरण और छठा चरण, कोर्ट मैरिज से जुड़ी सभी बातें, कोर्ट में शादी कैसे होती है, क्या कोर्ट मैरिज करने पर पैसे मिलते हैं, कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई करने का क्या नियम है, कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, कोर्ट मैरिज के बाद तलाक, मैरिज रजिस्ट्रेशन, विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता, इन सारी बातों को हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले क्या है कोर्ट मैरिज, ये हम आपको बता देते हैं। भारत में कोर्ट मैरिज आमतौर पर होने वाली शादियों से बहुत अलग होती है। कोर्ट मैरिज बिना किसी परंपरागत समारोह के कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के सामने होती है। सभी कोर्ट मैरिज विशेष विवाह अधिनियम के तहत संपन्न की जाती है। कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति के बालिग, युवक, युवती के बीच हो सकती है। किसी विदेशी या भारतीय की भी कोर्ट मैरिज हो सकती है। कोर्ट मैरिज में किसी तरीका का कोई भारतीय तरीका नहीं अपनाया जाता, बस इसके लिए दोनों पक्षों की को सीधे ही मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करना होता है। दूसरा है कोर्ट मैरिज के बारे में जानने से पहले इस प्रक्रिया में पूछे जाने वाले कुछ आम सवाल, चलो उन पे गौर कर लेते हैं। पहला सवाल, क्या कोर्ट मैरिज का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैरिज ऑफिसर के सामने खुद उपस्थित होना पड़ता है, शादी का रजिस्ट्रेशन तभी संभव है। दूसरा सवाल करते हैं, क्या कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी है? तो इस सवाल का जवाब भी ना है, बशर्ते आप बालिग हो और कोर्ट मैरिज के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया गया हो। कोर्ट मैरिज के लिए शर्तों का पालन है जो इसमें है, एक ये भी आता है, पूर्व में कोई, पहले कोई आपकी शादी ना हो। इस नियम के तहत ये जरूरी है कि इस कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने से पहले दोनों पक्ष ये है सुनिश्चित करें कि उनका कोई विवाह पूर्व में ना हुआ हो, यदि हुआ है तो वह वैध ना हो। दूसरे, दोनों पक्षों की पहली शादी से जुड़े पति या पत्नी जीवित ना हो। लीगल रेडी, आपसे रिश्तेदारी में शादी नहीं हो सकती, यानी बुआ बहन आदि, यह नियम केवल हिंदू कम्युनिटी पर लागू है। मैरिज के वक्त दोनों ही पक्ष यानी वर और वधु अपनी वैध सहमति यानी लीगल रेडी देने के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी प्रक्रिया में स्वेच्छा से शामिल होने चाहिए। उम्र की बात कर लेते हैं, कानून विवाह या कोर्ट मैरिज के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष से ज्यादा तथा महिला की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी जरूरी है, मैंडेटरी है। दोनों पक्षों का संतान की उत्पत्ति के लिए शारीरिक रूप से योग्य होना जरूरी है। इसके अलावा दोनों ही मानसिक रूप से स्टेबल यानी स्वस्थ होने चाहिए। कोर्ट मैरिज का पहला जो चरण है वो ये है, प्रायोजित विवाह की सूचना आवेदन कोर्ट में विवाह करने के लिए
सर्वप्रथम जिले के विवाह अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। सूचना किसके द्वारा दी जानी चाहिए? विवाह में शामिल होने वाले पक्षों द्वारा लिखित सूचना दी जानी चाहिए। सूचना किसे दी जानी चाहिए और इसका तरीका? कोर्ट मैरिज की सूचना उस जिले के विवाह अधिकारी को दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक जरूरी नियम के तहत विवाह के इच्छुक दोनों पक्षों में से एक ने सूचना की तारीख से एक महीने पहले तक शहर में निवास किया हो, मसलन यदि महिला और पुरुष कानपुर के हैं और दिल्ली में विवाह करना चाहते हैं, तो उनमें से किसी एक को सूचना की तारीख से 30 दिन पहले से दिल्ली जाकर रहना अनिवार्य होगा। सूचना के स्वरूप के तहत आयु और निवास स्थान यानी रेजिडेंस के प्रमाणिक दस्तावेज भी साथ देने होंगे। कोर्ट मैरिज का दूसरा जो चरण है वो ये है, सूचना कौन और कहां प्रकाशित होती है? जिले के विवाह अधिकारी जिनके सामने सूचना जारी की गई थी वो ही सूचना को प्रकाशित करते हैं। सूचना की एक प्रति कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर तथा एक प्रति उस जिला कार्यालय में जहां विवाह पक्षताई रूप से निवासी है प्रकाशित की जाती है। तीसरा चरण है जो इसका ये है, विवाह कौन कर सकता है? विवाह में आपत्ति कौन कर सकता है? कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति विवाह में आपत्ति दर्ज करा सकता है जिसका लड़का या लड़की से दूर या पास का रिश्ता हो। यदि दी गई आपत्तियों का कोई आधार होता है तो उन पर जांच होती है। कहां की जाती है आपत्ति? संबंधित जिले के विवाह अधिकारी के सामने। आपत्ति होने पर उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? आपत्ति किए जाने के 30 दिन के अंदर अंदर विवाह अधिकारी को जांच पड़ताल करना जरूरी है। यदि की गई आपत्तियों को सही पाया जाता है तो विवाह संपन्न नहीं हो सकता। स्वीकार की गई आपत्तियों पर क्या उपाय है? स्वीकार की गई आपत्तियों पर कोई भी पक्ष अपील दर्ज कर सकता है। अपील हम किसके पास और कब दर्ज कर सकते हैं? अपील आपके स्थानीय जिला न्यायालय में विवाह अधिकारी के अधिकार को क्षेत्र में दर्ज कर किया जा सकता है और यह आपत्ति के स्वीकार होने के 30 दिन के भीतर दर्ज की जा सकती है। कोर्ट मैरिज का चौथा जो चरण है इस पे बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि कौन करता है घोषणा पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर कौन करता है? विवाह अधिकारी की उपस्थिति में दोनों पक्ष और 3 गवाह घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं। विवाह अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते हैं। इस घोषणा का लेख और प्रारूप क्या है? घोषणा का प्रारूप अधिनियम की अनुसूची 111 में प्रदान किया गया है। कोर्ट मैरिज का प्रकरण का जो पांचवा चरण है वो ये है, विवाह का स्थान। विवाह अधिकारी का कार्यालय या उचित दूरी के अंदर का कोई भी स्थान विवाह का स्थान हो सकता है। विवाह का फॉर्म, विवाह अधिकारी की उपस्थिति में वर और वधु का फॉर्म स्वीकार किया जा सकता है, किया जाता है। कोर्ट मैरिज का जो छठा चरण है वो ये है, विवाह का प्रमाण पत्र। विवाह अधिकारी मैरिज सर्टिफिकेट पत्र पुस्तिका में एक प्रमाण पत्र दर्ज करता है। यदि दोनों पक्षों और 3 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तो ऐसा सर्टिफिकेट कोर्ट मैरिज का निर्णायक प्रमाण है। कोर्ट मैरिज से जुड़ी कुछ बातें यह है, कोर्ट में शादी कैसे होती है? कोर्ट मैरिज से पहले वर और वधु के गवाहों को रजिस्ट्रार के समक्ष एक घोषणा पत्र पर दस्तखत करने होते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि शादी बिना किसी दबाव के उनकी मर्जी से हो रही है। क्या कोर्ट मैरिज करने पर पैसे मिलते हैं? इस प्रक्रिया के तहत यदि कोई दलित और अंतर जातीय विवाह करता है तो उस नवदंपति को सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। नवदंपति में से एक कोई एक दलित समुदाय से होना चाहिए जबकि दूसरा दलित समुदाय से बाहर का। यह आर्थिक मदद डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है। शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए। इस संबंध में नव दंपति को एक हल्फनामा दाखिल करना होता है। कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई करने का नियम, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक कोर्ट मैरिज के करने के लिए अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रार को सबसे पहले नोटिस देना होता है। कोर्ट मैरिज का नोटिस अब माता पिता तक नहीं पहुंचता बल्कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में लगता है। कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज, उनके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। कंप्लीट आवेदन पत्र और अनिवार्य शुल्क, दूल्हा दुल्हन के पासपोर्ट साइज के 4 फोटो, पहचान पत्र के लिए
आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी। कोर्ट मैरिज के लिए हर राज्य की फीस अलग होती है, लेकिन इसकी शुरुआत शुल्क 500 से 1000 रुपए तक की होती है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। शपथ पत्र जिससे ये साबित हो कि दुल्हा दुल्हन में कोई किसी अवैध रिश्ते में नहीं है। गवाहों की फोटो और पैन कार्ड। अगर तलाकशुदा है तो तलाक के पेपर या फिर पूर्व पति या पत्नी की मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। कोर्ट मैरिज के बाद तलाक। कोर्ट मैरिज करने के बाद आप एक साल तक तलाक नहीं ले सकते, यानी विवाह का कोई भी पक्ष एक वर्ष की समय समाप्ति होने से पहले न्यायालय में कोई याचिका दर्ज नहीं कर सकता, कुछ मामलों में कर सकता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन, विवाह प्रमाण पत्र। कोर्ट मैरिज में शादी का प्रमाण पत्र मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल मैरिज के बाद कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट है जो ये साबित करता है कि दो लोगों शादीशुदा हैं। भारत में शादियों का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत किया जा सकता है। 2006 से सुप्रीम कोर्ट ने शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है ताकि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता, इसके बारे में आपको बता दूं। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए, वीजा अप्लाई करने के लिए। कई बार शादी के बाद कपल्स विदेश में सेटल हो जाते हैं, उनके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कोर्ट मैरिज की सारी डिटेल दे दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।